हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। और आज के सीरियल में मैं बात करूंगा दिसंबर के मेरे कुछ टॉप डेट्स जो रहे हैं उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट होगी, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज फ्री है आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आइए अब देखते हैं बीएससी मिड कैप जो देखते हैं 1 दिसंबर और 10 एंड 20 से ऊपर है और लेकिन फाइनली एट 21 दिसंबर ये क्रॉस ओवर आप नीचे की तरफ देख रहे हैं। सो आइडियली 15 टू 20 डेज का पीरियड मिला था आपको। अगर आप मिड कैप स्मॉल कैप ट्रेड करें मेरी तरह तो आपको यही पीरियड मिला था जहां पे एक अच्छा मूव आपको अच्छे सेटअप कुछ मिले होंगे। सो इन फ्यूचर भी अगर आपको ब्रॉडर परस्पेक्टिव लेना हो तो आप यही देख लीजिए 10 एंड 20। अगर एक अच्छा मूव जहां से एक अच्छा मूव दिया था 10 एंड 20 का, अगर आप ये देखें नवम्बर टू 5 दिसंबर ये बाकी बाद में साइड में चला गया। हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक आपको मूव मिले थे लेकिन फिर भी ये अगर आप देखें तो दिसंबर में आपको 10-15 डेज मिले ऐसे ट्रेड करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला नंबर 1 फाइव स्टार। अगर फाइव स्टार आप देखें तो आईपीओ स्टॉक एक बहुत ही टाइट ट्रेंड में गया था यहाँ से और मेरी बाइंग थी 518 5th ऑफ दिसंबर को मैंने बाई किया था। एंड इफ यू कैन सी नेक्स्ट डे स्टॉक में ये मूवमेंट दिखा था। नेक्स्ट टू डेज में स्टॉक ने अराउंड 30% का मूव दिया था एंड my selling was at 602 and 656 next day. So जिस दिन पे ये move हो रहा था 602 पे मैंने half quantity book की थी and the next day after hitting 688 जब ये वापिस आ रहा था नीचे तब 656 पे मैंने जो rest quantity थी वो मैंने book की थी। So this was my trade in five star. Next Hikal, अगर Hikal में आप देखें तो एक long base था यहाँ पे और ये stock maintain कर रहा था 10 and 20 के ऊपर। Finally यहाँ से आप देखिए नीचे से resistance से वापस आके ये 10 and 20 के ऊपर maintain कर रहा है और मैं इसको काफी time से track कर रहा था क्योंकि weekly में भी ये stock अच्छा setup हो रहा था। तो finally जब इसने ये high निकाला 355 मैंने 356 के ऊपर first buying की एंड फाइनली जब ये पूरा बेस से ऊपर निकला 360 के ऊपर तब मैंने और बाइंग की थी इसके अंदर। और हिकल में आप देखें तो इसके बाद जो मूव आया था सो नेक्स्ट टू डेज में स्टॉक अराउंड 10-12% यहां से मूव मिला था। 398 पे मैंने फर्स्ट सेल की थी और जो मेरी जो सेकंड सेल थी इट वाज अराउंड 385 क्योंकि स्टॉक ऊपर सस्टेन नहीं हुआ था। नेक्स्ट दो दिन के बाद ये नीचे आ गया था तो 385 ऑन दिस डे तो इस तरीके से मैंने हिकाल का ट्रेड किया था। सो नेक्स्ट इज रेमकी। अगर रेमकी में देखें तो बिल्कुल ऐसा ही बेस स्टॉक ने पहले भी बनाया था। यहाँ से एक अच्छा मूव दिया था स्टॉक ने 4-5 डेज में और बाद में स्टॉक साइडवेज चला गया। जैसा मैं हमेशा कहता हूँ एक एक्सपांशन के बाद स्टॉक साइडवेज जाते हैं और यहाँ पे आप देखिए फॉर कंटिन्यूस 3 डेज स्टॉक टाइनी कैंडल्स और साइडवेज गया 10 एंड 20 के ऊपर है। मैंने 278 यहाँ पे बाय किया था स्टॉक। मैंने दो दिन होल्ड किया था। आई वाज एक्सपेक्टिंग अ ब्रेकआउट हियर बिकॉज़ वीकली चार्ट भी एक अच्छा सेटअप था एंड फाइनली स्टॉक के अंदर क्योंकि इंफ्रा स्टॉक अच्छा कर रहे थे तो ये ब्रेकआउट आपको यहां से देखने को मिला था रेमकी के अंदर और 22-23% का मूव मिला था यहाँ पे स्टॉक के अंदर। और मैंने बुक किया था ये स्टॉक, मेरी पार्ट बुकिंग थी 298 के आसपास। बाद में जो नेक्स्ट बुकिंग मैंने 25% किया था वो था 328 के आसपास। जो मेरी लास्ट बुकिंग थी वो थी 322 के आसपास। सो दिस वाज माय ट्रेड इन रेमकी। तो नेक्स्ट इज उगर सुगर। उगर सुगर में आप देखें तो यहाँ पे भी एक अच्छा मूव मिला है यहाँ एंड स्टॉक 2 और 3 वीक के लिए ऐसा या मे बी 4 वीक के लिए साइडवेज गया एंड फाइनली यहाँ पे एक सेटअप बनता है 82 के आसपास मैंने बाइंग की थी। और देखिए अगर इस जोन के बाद जब स्टॉक निकला 82 के बाहर जब निकला तो स्टॉक ने एक अच्छा मूव दिया था क्योंकि काफी कंसोलिडेशन अच्छा दिया था। आइए देखते हैं 82 के बाद स्टॉक में क्या हुआ। सो दिस वाज द मूव। मैंने सेम डे इस स्टॉक को सेल कर दिया था एंड इट वाज अराउंड 14% मूव ऑन दैट डे। आई सोल्ड इट अराउंड 89-90 क्योंकि ये 93 के बाद नीचे आया। आई एम नॉट गुड एट होल्डिंग स्टॉक्स फॉर लॉन्ग सो या मैंने ये एक ट्रेड ये किया था एंड मेरा जो नेक्स्ट ट्रेड था वो इसी के अंदर जो ट्रेड बना था फिर से एक यहाँ पे बना था एंड सेम अगेन ऑन दैट डे एज वेल मैंने ये कुछ 99 का हाई लगाया था यहाँ पे। अगर लेट्स सी दैट डे हाई, यस 99.10 हाई मेरी बाइंग थी इस दिन 91 point something और मैंने सेम डे स्टॉक को सेल कर दिया था। सो दिस वाज माय ट्रेड इन उगर सुगर। आइए जानते हैं अगर धन में आपका अकाउंट हुआ तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा।
अगर आपका अकाउंट धन में हुआ तो एज अ ट्रेडर आपको एक मेन बेनिफिट ये मिलेगा कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रख पाएंगे धन में अपना अकाउंट हुआ तो। आपको बास्केट ऑर्डर की फैसिलिटीज मिलेगी अगर आपका अकाउंट धन के साथ हुआ। आपको अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हो गए तो OTM, ITM जो ऑप्शन रहते हैं, जो नॉर्मली ब्लॉक रहते हैं बहुत सारे ब्रोकर के अकाउंट पे, लेकिन अगर आपका अकाउंट धन में होगा तो आपको वो ऑप्शन भी आप ट्रेड कर पाएंगे। वन टैप से आप अपनी पोजीशन बाय टू सेल या सेल टू बाय रिवर्स कर पाएंगे। अगर आपकी कोई स्टॉप लॉस पोजीशन होगी, आपका कोई लेवल होगा कि भाई वो लेवल ट्रिगर हो जाए तो उसके बाद आपकी पोजीशन आप रिवर्स करना चाहते हैं तो वो भी आपको फैसिलिटी मिलेगी। आइसबर्ग ऑर्डर की फैसिलिटी मिलेगी आपको अगर आपका अकाउंट धन के साथ हुआ। एक कंप्लीट ऑप्शन चेन जो मैंने पहले भी बताया था, आपको ऑप्शन चेन मिलेगी, आप वहीं से डायरेक्ट ट्रेड कर पाएंगे। तो आपको ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं और ऑप्शन चेन देखने गए और आप अपना ट्रेड मिस कर गए या आपको कहीं और देखना पड़ा। तो एक ही प्लेटफॉर्म से आपको ये इजीली अवेलेबल मिल जाएगा। आप अपने जो शेयर्स है उसको प्लेज करेंगे तो उसका मार्जिन आपको इंस्टेंटली अवेलेबल मिल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको प्लेज होने के बाद वेट करना पड़े, आपको इंस्टेंट मार्जिन अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप डायरेक्टली चार्ट से ट्रेड करना चाहते हैं, ये बेस्ट एलिमेंट है। अगर आप चार्ट को बंद करके अपना ट्रेड डीमैट अकाउंट पे जाके ट्रेड करना नहीं चाहते, डायरेक्टली चार्ट से ही ट्रेड करना चाहते हैं, मोस्टली ट्रेडर जो ट्रेडिंग व्यू यूज करते हैं, तो आपको ऑलरेडी ट्रेडिंग व्यू मिलता है धन के साथ, तो आपके लिए काफी बेनिफिट हो जाएगा। अगर आपका अकाउंट धन में होगा तो ये सारी फैसिलिटी एज अ ट्रेडर आपके लिए काफी इंपोर्टेंट, काफी सोच के ये चीजें बनाई गई, ये टूल दिए गए। अगर अभी तक आपने धन में अपना अकाउंट ओपन नहीं करवाया तो वीडियो के नीचे एक लिंक होगा, उस लिंक को क्लिक करिए, धन में अपना अकाउंट ओपन करवाइए और ये सारे बेनिफिट अपने ट्रेडिंग में इंजॉय कीजिए। सो नेक्स्ट इज ग्रेविटा। अगर आप ग्रेविटा में देखें तो अगेन एक स्टॉक बेस के बाहर निकला है, यहाँ से एक अच्छा मूव मिला है स्टॉक ने। आई मिस दिस कंप्लीट रैली। ये जो स्टॉक बहुत ही अच्छा सेटअप था, यहाँ पे वीकली पे भी एक अच्छा सेटअप था, बट आई मिस दिस रैली। ये 4 या 5 दिन में एक अच्छा मूव आया, बाद में स्टॉक नॉर्मली जो साइडवेज जाता है या थोड़ा सेलो करेक्शन आता है, इस तरीके से ये स्टॉक नीचे आया। एंड 10 EMA पे से आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ बाउंस, मैंने ये एंटिसिपेशन बाय किया था और नेक्स्ट डे मैंने बाय किया था। आई विल शो यू द कैंडल एज वेल। ये मेरी वॉच लिस्ट पे तब इसी दिन आया था एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि अगर गैप अप हुआ तो मैं इसको बाय करूंगा। एंड नेक्स्ट डे इफ यू कैन सी अ गैप अप मिला था इस चार्ट के, इस स्टॉक के अंदर छोटा सा गैप अप, लेकिन गैप अप मिला था। माय बाइंग वाज अराउंड 425 426, और जब भी ये स्टॉक ने डे हाई क्रॉस किया आई एडेड मोर और 429 के ऊपर मैंने इसको और बाय किया। आई हैड गुड साइज इन ग्रेविटा एंड ये सेम डे स्टॉक ने अराउंड 20% का मूव दिया था। 460 के आसपास मैंने इसकी पहली सेलिंग की थी एंड जब स्टॉक नेक्स्ट डे वीकनेस दिखाने लगा तो 445 पे मैंने कंप्लीट एक्सिट ले ली थी। सो ये ट्रेड्स थे कुछ दिसंबर के मेरे जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, और आगे से मैं यही करूंगा। हर एक महीने के बाद जो मेरे ट्रेड हो गए होंगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग ट्रेड किए हैं, मेरे कुछ लॉस मेकिंग ट्रेड्स भी है। BDL जो इसमें मैंने लॉस बुक किया, प्रिंस पाइप जब वहां पे भी मेरा लॉस बुक हुआ, सूर्या रोशनी मैं ब्रेक इवन पे एग्जिट हुआ, और एक ट्रेड KPIT वो मैंने ब्रेक इवन पे एग्जिट किया। सो ये मेरे कुछ ट्रेड थे दिसंबर के, प्रॉफिट मेकिंग और लॉस मेकिंग। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आ रही है। अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ चैनल के लिंक को शेयर करना ना भूले। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू फॉर योर टाइम।